Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10 subject English Unit 2 Reading A The Never Never Nest. And today's video lecture we will see vocabulary and grammar parts. In the grammar parts we will see the use of do, does and did. So let's see first vocabulary. Take right the words which are similar to the words given in bold. यहाँ पे bold में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स को हमें पहचानना है. सो फर्स्ट है चार्मिंग, सच अ कोजी लिटिल रूम. सो कोजी, कोजी का सिमिलर वर्ड क्या हो सकता है? कोजी का सिमिलर वर्ड कॉस्टली, क्यूट और कंफर्टेबल. यहाँ पे कंफर्टेबल सही होगा, यानी आरामदायक. नेक्स्ट है आंट जैन सडनली कहती है, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज इट योर्स? जिल कहती है, अफकोर्स इट्स आवर्स. आंट जैन कहती है, ऑल योर्स? तो जैक कहता है, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल. वो जो पूछते हैं कि आंट जैन जो है वो पूछती है कि क्या वास्तव में वो कार तुम्हारी है, तो जो जैक है वो कहता है नॉट एग्जैक्टली ऑल, यानी पूरा एग्जैक्टली नहीं. तो इसमें कौन सा आएगा, इमिडिएटली, कम्प्लीटली और करेक्टली? यहाँ पर आ जाएगा करेक्टली सही होगा. तो ये सिमिलर है. नेक्स्ट है नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू. तो यहाँ पे जो वर्ड है इंस्टॉलमेंट्स, उसका सिमिलर वर्ड क्या है, लोन्स, फुल पेमेंट, पार्ट पेमेंट्स. सो इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट्स. सो आंसर सी सही होगा. यस जैक दैट्स व्हाट्स वरिंग मी. वरिंग, वरिंग का फुल फॉर्म, यानी वरिंग का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या होगा? सो यहाँ पे सरप्राइजिंग, इरिटेटिंग या फिर ट्रबलिंग, यहाँ पे हो जाएगा ट्रबलिंग, चिंतित होना, ट्रबल करना. सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स. सो यहाँ पे पे ऑफ, पे ऑफ मीन्स गिव अवे या फिर मेक फुल पेमेंट या फिर मेक इन इंस्टॉलमेंट. सो यहाँ पे ऑफ मीन्स होगा मेक फुल पेमेंट. सो इस तरह से. सो अब हम देखेंगे कुछ ग्रामर के पार्ट्स. ग्रामर के पार्ट्स में है यूज़ ऑफ डू, डज एंड डीड. डू, डज एंड डीड का यूज़ हम जानेंगे. डू, डज एंड डीड, इन तीनों का यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है एंड मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है. सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि डू एंड डज का यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं. डू का यूज़ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं. डज का यूज़ भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, जबकि डीड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं. और डू, डज एंड डीड, इन तीनों का जो यूज़ है वो मेन वर्ब की तरह या फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी दोनों की तरह हम करते हैं. सो यही है डू, डज यानी प्रेजेंट टेंस, डीड का यूज़ पास्ट टेंस. अब हम देखते हैं Do, does and did का यूज़ मेन वर्ब की तरह हम कब करते हैं, कौन सी कंडीशन में या किसके साथ करते हैं. यानी मेन वर्ब की तरह यदि हम do, does, did का यूज़ करते हैं तब अन्य वर्ब की तरह, जैसे मैंने लिखा go, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म. पास्ट फॉर्म क्या होगा, went. सो go मीन्स जाना, went मीन्स गया. वैसे ही थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं gone, यानी गया हुआ. सो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. वैसे ही डू, डज एंड डीड के तीन फॉर्म होते हैं. सो फर्स्ट फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में होता है डू या फिर डज. जो सेकेंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, वो होता है डीड. एंड थर्ड फॉर्म डन. सो इस तरह से हम डू, डज एंड डीड का यूज़ एक तरह से हम मेन वर्ब की तरह भी कर सकते हैं. अब हम देखेंगे डू, डज, डीड का यूज़ हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे करते हैं. सो डू, डज एंड डीड का यूज़, डू का यूज़ हम कौन से कंडीशन में करते हैं. डू का यूज़ हम आई के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, यू के साथ करते हैं एंड दी के साथ करते हैं. और एक से ज़्यादा यानी वन प्लस सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं. वन प्लस सब्जेक्ट मीन्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट,
यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, यानी जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। आई वी यू दे और साथ में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट यदि है तब हम डू का यूज़ करते हैं। वैसे डज का यूज़ हम किन के साथ करते हैं? डज का यूज़ हम ही, सी, इट या फिर एक सब्जेक्ट के साथ करते हैं। याद रखिए, डज का यूज़ ही, सी, इट एंड एक सब्जेक्ट के साथ, जबकि आई का यूज़ आई, वी, यू, दे एंड एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करते हैं। और दोनों का जो यूज़ होगा, डू एंड डज का यूज़ हम प्रेजेंट में ही करते हैं, जबकि पास्ट में हम डिड का यूज़ करते हैं। तो डिड का यूज़ हम किनके किनके साथ कर सकते हैं? डिड का यूज़ हम ऑल सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ। यानी ऑल मीन्स क्या हो गया? ये सारे सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, ही, सी, इट या फिर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट के साथ हम पास्ट टेंस में डिड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम डू, डज एंड डिड का यूज़ समझेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि डू, डज एंड डिड का यूज़ यदि हम ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं, तब हम डू, डज एंड डिड का यूज़ या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे जैसे कि है, ही डज नॉट वर्क आउट इन द मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे हमने डज का इस्तेमाल किया है, डज का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। सो अभी हमने देखा कि यदि सब्जेक्ट ही है तो ये जो सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक सब्जेक्ट है, तब हम डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ही है इसीलिए हम यहाँ पे डज का यूज़ किए हैं और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने पहले ही देखा कि यदि हम डू, डज, डिड का यूज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह करते हैं तब हम जो है डू, डज का यूज़ कौन सी कंडीशन में करते हैं? या तो नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है, डू दे टेक द फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे देखिए दे है, सब्जेक्ट दे है, इसीलिए यहाँ पे आ गया डू और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। वैसे यहाँ पे पास्ट टेंस में डिड सी हेल्प यू लास्ट नाइट, ये पास्ट टेंस है, इसलिए पास्ट टेंस में हमें सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत है ही नहीं है, सीधा डिड लगानी है। वैसे ही आई डू नॉट लाइक टू प्ले अलोन, यहाँ पे आई है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे हमने डू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, डज राम लर्न टू ऑपरेट द कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए जो राम है वो एक सब्जेक्ट है, किसी कोई एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पे हमने डज का यूज़ किया है। वैसे ही डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल डेली, यहाँ पे देखिए राम एक सब्जेक्ट एंड श्याम दो सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हमने डू लगाया है और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। अब ये जो बात है कि हम जो है डू और डज का यूज़ कौन सी कंडीशन में कब करते हैं, डू और डज का यूज़ हम सिर्फ प्रेजेंट में ही करते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में हम ये ध्यान देते हैं कि डू का इस्तेमाल करें या फिर डज का इस्तेमाल करें, जबकि पास्ट में सारे सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं। डिड यू सी द ताजमहल, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यू है और ये पास्ट टेंस की बात है, क्या तुमने ताजमहल देखा? सो यहाँ पे डिड लगाए हैं क्योंकि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो पास्ट में, आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट जो भी रहे, तो यहाँ पे डिड लगाना है। नेक्स्ट है, महेश डिड नॉट ट्राई टू स्विम, यहाँ पे जो महेश है वो एक सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पास्ट टेंस की बात हुई है तो यहाँ पे हम डिड लगाए हैं। सो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डू, डज एंड डिड का यूज़ किस किस कंडीशन में करते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम देखेंगे कि डू, डज एंड डिड का यूज़ किस तरह से किया हुआ है, यानी कुछ सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस आंट जेन, यहाँ पे जैसे कि डू का यूज़ हुआ है, यहाँ पे डू का यूज़ हुआ है यू के साथ। वैसे ही आंट जेन, बट जैक इफ़ यू डोंट पे, यहाँ पे देखिए यू डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में कहते हैं डोंट पे रेंट, यू विल गेट टर्न आउट इन टू द स्ट्रीट।
oh, Jill कहती है, oh, I should see the steering wheel and one of the tires and about two of the cylinders. But don't you see? देखिए यहाँ पे, don't you see? That's the wonderful thing about it. Anjan, I don't see. यहाँ पे I के साथ do. Do not को हम शॉर्ट में don't कहते हैं. Wonderful about it, Aunt Jane. And how do you propose to pay that back? Jack, I'm not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. So यहाँ पे जो है doctors, एक से ज़्यादा subjects हैं, इसलिए यहाँ पे डोंट आया है. यदि हम डॉक्टर करते तो वो जाता डजंट, डज नॉट का यूज़ होता. वैसे ही डिडेंट द स्टूडेंट्स लाइक द स्टोरी, डिडेंट यहाँ पे डिडेंट द स्टूडेंट्स, ये पास्ट टेंस है, सो डिडेंट का यूज़ किया, डिड का यूज़ किया है. यहाँ पे डिड यू बाय द कार ऑन इंस्टॉलमेंट्स. सो इस तरह से हम अलग अलग कंडीशन में डू का यानी डू डोंट, वैसे ही डिडेंट, did not and does का use कर सकते हैं. Fill in the blanks in the following conversation with the appropriate form of verbs do and did. यहाँ पे appropriate form का use करके हमें blank को fill करना है. So यहाँ पे है Jill, hi mom, can you guess who visited us this morning? Mother कहती है sorry I can't. Jill कहती है Aunt Jen, mom. Mother कहती है Jen visited you this morning. फिर जिल कहती है यस शी विजिटेड अस दिस मॉर्निंग. सो मदर कहती है डिड सी लाइक योर हाउस. तो जिल कहती है यस मॉम सी लाइक योर हाउस बट सी ब्लैंक लाइक यहाँ पे आ जाएगा डिडंट या डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बाइंग इट ऑन इंस्टॉलमेंट. सो वो जो है कहती है, जिल कहती है कि जो आंट जेन थी वो जो है इंस्टॉलमेंट पे खरीदे जाने का जो तरीका है, जो आइडिया है, उसको पसंद नहीं करती थी. नेक्स्ट है मदर कहती है हाउ सिली सी हैज़ वेरी ओल्ड फैशन आइडियाज़ आई एम अफ्रेड. जिल कहती है यस मॉम सी हैज़ वेरी ओल्ड फैशन आइडियाज़. जैक कहती है सी वॉज रदर टू वरीड. जिल कहती है मीन्स जैक कहते हैं सी वॉज रदर टू वरीड. जिल कहती है सी इवन रिफ्यूज टू सी इट ऑन द फर्नीचर. मदर कहती है वाई. सो यहाँ पे आ जाएगा डिड. वाई डिड सी रिफ्यूज, वो मना क्यों की. To sit on the furniture, that's amazing. Jack कहता है but aunt Jen was very kind and considerate. उसके बाद blank, you know what she gave us at the time of her departure. यहाँ पे आ जाएगा do. Do you know, क्या आपको पता है कि जब वो departure हुई थी, जब वो घर को छोड़ रही थी, उस समय उन्होंने हमें क्या दिया है. What she gave us at the time of our departure. सो इस तरह से यहाँ पे डू का यूज़ हो जाएगा. नेक्स्ट है मदर कहती है व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा डिड. व्हाट डिड सी गिव यू, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने तुम्हें क्या दिया. सो जिल कहती है अ 10 pound चेक. मदर कहती है सी गिव यू अ 10 pound चेक. फिर जिल कहती है यस यस अ 10 pound चेक. मदर कहती है व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा डिड. व्हाट डिड यू प्रपोज टू do with that extra money. So Jill कहती है we have spent it already. फिर मदर कहती है good heavens you spent it already, what blank you do with that money. So यहाँ पे आ जाएगा did, तुमने उस पैसे के साथ क्या किया. What did she do with that money. फिर Jill कहती है I sent it to Dr. Martins, मैंने इसे Dr. Martin को send किया. And blank I do a good thing mom. So यहाँ पे आ जाएगा did. Did I do a good thing mom? अपनी मम्मी से पूछती है कि क्या मैंने अच्छा काम किया. फिर मदर कहती है to Dr. Martins why, यहाँ पे आ जाएगा did. Why did you spend it to Dr. Martin. जो मम है वो मम्मी है वो पूछती है, मम पूछती है, मदर पूछती है कि तुमने डॉक्टर मार्टिन को
क्यों पैसा सेंड की हो, मतलब क्यों सेंड की, यानी पास्ट के बारे में पूछ रही है। सो इस तरह से हम डू, डज एंड डिड का यूज़ हम अलग अलग कंडीशन में कर सकते हैं। बस हमें ये याद रखनी है कि डू एंड डज का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, जबकि डिड का यूज़ हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यदि करते हैं तो हम पास्ट में ही करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू।